पेंशनर एकता जिंदाबाद। उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पेंशन से कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेंशन से कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड पेंशनर्स गवर्नमेंट एसोसिएशन की तरफ से आज कुछ लोग जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं वो धरने पर बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मैं तुला सिंह तड़ियाल हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर आए? ये हमारी पेंशन में जो ये कटौती कर रही है उत्तराखंड सरकार, इसके विरोध में हम यहाँ पर आए, क्योंकि इन्होंने बिना पेंशनर की सहमति लिए 250 से लेकर 1000 रुपये तक की कटौती कर रहे हैं हर महीने, और उसका लाभ हमको कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब हम ये जो है यहाँ दिल्ली में, ये मेरे ख्याल से अपने तरह का ये पहला आंदोलन होगा जिसमें सीनियर सिटीजन 90 प्लस के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। 85 से तो आप हैं रिटायर्ड डीवाई से, क्लास वन ऑफिसर हैं रिटायर, वैसे सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा आंदोलन मेरे ख्याल से उत्तराखंड की, ये जो है दिल्ली की धरती पर पहली बार हुआ होगा जिसमें सीनियर सिटीजन हमारा पेंशन की कटौती बंद करो कहने के लिए आए। कोई मांग नहीं हमारी, ये कह रहे हैं कि हम जो काट रहे हैं, ये जो पैसा काट रहे हैं साहब, इसको आपको बता रहे हैं कि ये जो है ये प्राधिकरण बना रखा है इन्होंने, एनजीओ सरकार ने, इस एनजीओ की पहली वर्षगांठ पर इन्होंने 60 लाख रुपया खर्च कर दिया। प्रचार प्रसार पर 2,84,77,600 रुपया प्रचार प्रसार पर खर्च कर दिया, और 4 करोड़ में तो इन्होंने ऑफिस लिया है। तो ये तो हमारे पैसे का, डॉक्टर से लेकर के सफाई कर्मचारी तक हमारे पैसे का, हमारे पैसे से इलाज होना है डॉक्टर से लेकर के सफाई कर्मचारी तक, तो हमारे पैसे का ये क्या है भाई, ये क्या क्या तमाशा कर रखा है आखिर? ये मैं कह रहा हूँ, प्रचार प्रसार किस पर कहा तुमने, किस लिए किया प्रचार प्रसार, ये प्रचार प्रसार किस लिए हुआ है? जबकि पेंशनर से आप अनिवार्य रूप से काट रहे हैं, कर्मचारियों से आप अनिवार्य रूप से काट रहे हैं, और तो ये प्रचार किस लिए कर रहे थे आप? 2,84,77,600 रुपया केवल प्रचार पर खर्च कर दिया उत्तराखंड सरकार ने, ये शर्म की बात है। इस बात को हम जो है ये राष्ट्रीय फलक पर उठाने के लिए आए हैं, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे, और यदि हमारी मांग पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, इस पर नहीं हुआ, तो हमारी ये संवैधानिक संस्थाओं से हम लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और ये कोर्ट ने स्वयं लिखा है कि टू लाइट ऑफ योर लाइफ, मतलब हम अपने जीवन के ये अंतिम क्षणों में जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और ये सरकार को शर्म होनी चाहिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि हमको दिल्ली आना पड़ रहा है, हमको न्यायालय से सरकार ये बात नहीं मानी, नहीं कोई नहीं मान रहा है, वो ब्लैक होल है। इन्होंने बहुत बड़ा स्टाफ वहां रख दिया है और उनको बड़ी लंबी वेतन दे रहे हैं, जो उसका प्राधिकरण का अध्यक्ष है, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी के बराबर सारी सुविधाएं होंगी उसको, उसको उतना बड़ा उतना वेतन होगा। कब से आप लोग इसकी मांग कर ये रहे हैं? हम इसकी मांग 2021 से कर रहे हैं। 2021 में हम लड़े, 2022 में लड़े, और 23 में हम अब दिल्ली में आए हैं ज्ञापन देने के लिए। ये तीसरा साल हमारे आंदोलन का ये शुरू हो गया है। उत्तराखंड में कितने लोग इससे प्रभावित? उत्तराखंड में 1.5 लाख तो पेंशनर हैं और 1.5 लाख से अधिक जो है कर्मचारी हैं जो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी जो है वो मुंह से अपनी जुबान नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं, और हम लोग बोल रहे हैं। इसलिए हम पूरा जो है 4 महीने तक तो हमने अनिश्चितकालीन धरना किया है तहसील मुख्यालय पर, और सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं या अपनी जो राजधानी है देहरादून में, वहाँ भी प्रदर्शन हो गए हैं, और सारे जितने संगठन हैं सब जो है आंदोलनरत हैं। राष्ट्रपति को आप ज्ञापन देंगे, नहीं मांग पूरी होती है तो आगे की क्या रणनीति? हम जो है कोई ऐसा कदम उठाएंगे। आज हमारे एक 92 वर्ष के आदमी अभी रास्ते में है, वो आ रहे हैं यहाँ। उन्होंने पिछली बार ये कहा था कि मैं आप आत्मदाह करता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है और राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी है। 92 प्लस के हैं, 102 वर्ष के आदमी ने भी हमारे धरने में शिरकत की है। तो ये इस देश में हो रहा है, और ये हम जो है पूरा देश को ये बताना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है सीनियर सिटीजन के साथ, और जबकि हमको जो है इलाज की सुविधा निःशुल्क मिलनी चाहिए। आयुष्मान जो कार्ड बना है पूरे देश में 5 लाख की तक की सबकी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा है, वो उससे भी हमको वंचित कर दिया, वो भी हमको नहीं मिलेगा, मतलब हमको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। और जो 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 अपना ब्रिटिश काल से जो हमारी योजना थी 1944 से चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जो मिलती थी, उसको 31 दिसंबर 2020 को समाप्त कर दिया इन्होंने।
उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर संगठन की तरफ से तमाम तरह के जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और पेंशन की जो समस्या है उससे केंद्र की सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। उत्तराखंड के ये निवासी हैं लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने इनकी मांगों को तत्काल प्रभाव में नहीं लाया तो इन्हें राजधानी दिल्ली में आना पड़ा है और कई ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 90 से पार हो चुका है तो सरकार को एक चेतावनी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो न्यायिक जो संस्थाएं हैं उससे इनका विश्वास टूट जाएगा और कहीं ना कहीं इनका जो आत्मदाह की भी ये कोशिश करने वाले हैं कुछ दिनों में। जी बिल्कुल बिल्कुल, और कोई विकल्प नहीं, नहीं कोई विकल्प। अब क्या है, अब हमारे पास न्यायालय से हमको न्याय नहीं मिला है भाई। कंटम जैसे मामले में 5 महीने के बाद हमारी डेट आई है, यही इसी से हम जो है अब हम यहाँ दिल्ली आना पड़ा हमको। कंटम के मामले में 5 महीने का डेट 5 अप्रैल को डेट दे दी है माननीय न्यायालय ने। चलिए देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी मांगों को सरकार पूरा करती है या नहीं।